कादियानियों की साजिश होती है, चाल होती है, किसी बहाने किसी तरीके बंदे को फिसला दे। और कुछ नहीं ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा सकता हूँ ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस की, ऐसे बंदे पेश कर सकता हूँ जिनको कादियानियों ने लड़कियों की भी ऑफर की है, वीज़े की भी ऑफर की है, पैसे की भी ऑफर की है। मैं डेरा इस्माइल खान लेवल पर बात कर रहा हूँ, यहाँ चाहो मुझसे बंदे ले लो, बंदा नहीं बंदे ले लो जिनको ऑफर्स हुई हैं। आपकी तालीम इतनी है, आप कनाडा आ जाएं, टोरंटो आ जाएं, सरमद कादियानी के पास आ जाएं, फलां के पास, मैं तरतीबें दे सकता हूं, नाम बता सकता हूं। यकीन माने ऐसे ऐसे बंदे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जिनको दाढ़ी भी नहीं है चेहरे पे, नमाज उनको थोड़ी बहुत आती है, वो भी मुझे पूछते हैं मौलाना एक बात पूछूं। मैंने कहा जी। कहते हैं सच्चे के रास्ते पे चल के बंदा सच्चा तो बन सकता है। मैंने थोड़ा उसका चेहरा देखा, मैं समझा ये सवाल कादियानियों का। मैंने कहा बिल्कुल, सच्चे के रास्ते पे चल के बंदा सच्चा बन सकता है। उन्होंने कहा शहीद के रास्ते पे चल के बंदा शहीद। मैंने कहा वेरी बात है, शहादत मिलेगी। नेक के रास्ते पे चल के बंदा नेक बन सकता है। मैंने कहा जी हाँ। कहते फिर एक शख्स हुजूर के रास्ते पे इतना चला है जिसका नाम गुलाम अहमद है, वो हुजूर पाक के फैज से नबी क्यों नहीं बन सकता? जब आलम के रास्ते पे चल के आलम बन सके, हाफिज के रास्ते पे चल के हाफिज बन जाए, नेक के रास्ते पे चल के नेक बन जाए, नबी के रास्ते पे चल के नबी क्यों नहीं बन सकता? क्या नबुवत का फैज़ खुश्क हो गया है? ये मुसलमान कह रहा है। मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आया चैनल कहाँ चल रहा है। मैंने कहा दावत का टाइम कब दोगे? मौलवी तो खाते हैं खिलाते नहीं हैं। मैंने कहा मैं खिला रहा हूँ, मुझे बताओ। बैठेंगे गपशप लगाएंगे। वो कहते हैं ना हमारे जमात वाले, पहले दिल लो फिर दिन लो, ठीक है ना? तो मैंने कहा जी आप बैठे। वो मेरे पास आया, मैं उसके पास गया, ये वो, उसने मेरी गुफ्तगू बिहेवियर सब कुछ देखा तो थोड़ा मज़ीद खुला। फिर बताते बताते जब नतीजा पहुंचा तो इंटरनेट पे कादियानियों से यारी है, टोरंटो का वीज़ा उन करीब आने वाला है और वो वहाँ जाने पे तैयार है और कादियानी लड़की की ऑफर हो चुकी है। डीए खान की बात कर रहा हूँ, अभी बाहर मैं नहीं जा रहा, मैं डेरा इस्माइल खान के बाद बक्कर डेरा गाजी खान की वसूलियाँ भी जानता हूँ। जब बातें चली मामलात चले, मैंने कहा एक बात उससे, जब सारे सवाल उसके हल हुए फिर उसने सोर्स निकाला कि मुझे कौन ख़राब कर रहा है, कौन रिब्बी चल रहा है। बीए लेवल का लड़का है, आईसीआईटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में। जब सारे क्लियर हो गए आप मेरे सर से बात करेंगे। मैंने दिल में कहा इस दिन देखने के लिए तो मैंने तेरी दावत की थी, मुझे बिठाओ ना अपने सर के साथ। अब जब आने यार चैटिंग हुई है, बात हुई है, तो वो मेरे सामने भी यही फुद्दू खाता, नबी के रास्ते पे चल के नबी क्यों नहीं बन सकता, क्या नबुवत का फैज़ खुश्क हो गया है, क्या आमना के दुर्र यतीम का फैज़ इतना था कि 1400 साल ही नहीं गुजरे आपने कहा खत्म, मेरे बहुत ख़त्म हो गए। मैंने उसे कहा ये बता तू कहना क्या चाहता है? कहते नेक के रास्ते पे चल के नेक बनता है तो बंदा बुरे के रास्ते पे चल के बुरा बनता है, तो नबी के रास्ते पे चल के नबी क्यों नहीं बनता? छोड़ दे मैंने कहा बात, अल्लाह का रास्ता है फी सबीलिल्लाह कुरान में है। कहते जी हाँ। मैंने कहा अगर मैं अल्लाह के रास्ते पे चल के अल्लाह बन जाऊँ तो ये बात सच्ची होगी? इवें तूती द मुँह लिखी ना उनकी शिकल इवें थी गई है। कर ना बात, नबी के रास्ते पे चल के नबी बन सकता है तो खुदा के रास्ते पे चल के फी सबीलिल्लाह खुदा क्यों नहीं बन सकता? नहीं अल्लाह की मिसाल नहीं चलती। मैंने कहा लिखा हुआ है लई सक्कम इसलिए शही कुरान करीम में लिखा हुआ है। मैंने कहा ये कुरान तो झूठा है, सच्चा तो नहीं है, मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा है, आप मेरे ऊपर नई किताब आ गई है, अब कुरान से इस्तदलाल करोगे तो वह खातम नबीन है कुरान में, कुरान से इस्तदलाल करोगे तो आयात ख़त्म नबूवत है, आप तो कुरान करीम नहीं मानते, नाया नबी मानते हैं और साहिब वही मानते हैं, साहिब वही के बाद पिछली किताब तो मनसूख हो जाया करती है। तौरात के बाद जब इंजील आई तो तौरात का मसला अपनी हद तक रहा, इंजील के बाद जब कुरान आया तौरात इंजील अपनी जगह रही, अब तुम नई किताब मानते हो, टीची टीचे फरिश्ता मानते हो, वही मानते हो, अब कुरान से इस्तदलाल क्यों? तुम्हारी वही बेकार थी। अच्छा ये जो साथ बैठा हुआ सुन रहा था इसने कहा अच्छा आप वही भी मानते, अब नया फरिश्ता भी मानते, आप तो कह रहे थे हुजूर को खातिमुन्नबीयीन मानते। मैंने कहा जी मैं अगर अवहाम मिर्जे के दिखा दूँ जो वही हुई है, फरिश्ते का नाम बता दूँ और उसके अल्फाज बता दूँ, या अय्युह अल-क़ादियान के लफ्ज़ से झूठी बनी हुई आयतें बना दूँ बता दूँ फिर? तो ये लड़का हैरान हुआ, फिर पता चला मैं दाम तस्वीर में आ चुका था। ऐसे कई बंदे हैं, अल्लाह की कसम ऐसे कई बंदे हैं। ये फेसबुक पर बैठने वाले आईडीज होल्डर मेरी बात को सुने, आप आईडी बनाकर तो बैठ गए हैं दो चार अपनी फ़ोटो को लाइक करने के मामले में, तो अकाश तुम्हारी आंखें खुली होती तो हम उस दुश्मन को देख सकते, अकाश हम इस पर तवज्जो करते।
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.